जस्टिस फॉर संजू सैमसन, भाई ने एक और सेंचुरी मार दी है। पर हाँ, आज डेडमैन सिस की एनर्जी जो है वो एकदम मर चुकी है, तबियत खराब है गाइस। पर वीडियो तो डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वीडियो नहीं डालूंगा तो संजू सैमसन फैंस भाई आके कमेंट्स में ऐसे लिख लिख के थक जाएंगे, संजू ने सेंचुरी मारा इसलिए वीडियो नहीं डाला, हेटर। देख अभी तबियत खराब है, ऐसे ना सीधा मैयत से उठ के यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया हूं। तो इसी बात पे सब्सक्राइब मार दो और आ जाओ लोंडो मीम्स देखते हैं। सबसे पहली बात, तुम जियो पे देख रहे थे या फिर टीवी पे देख रहे थे, तुम्हें कौन से ग्राफिक्स पसंद है? देखो पर्सनली आई मीन दिस इज अ हॉट टेक, दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टेक, पर भाई मुझे जियो सिनेमा का ये जो भी था वो काफी अच्छा लगा। हाँ, थोड़ी सी जो विड्थ थी उसको कम किया जा सकता था, बट यार कोई तो ग्राफिक्स में मेहनत कर रहा है, कुछ तो कोई तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये देख के अच्छा लगा। तुम्हें कौन सा पसंद आया कमेंट्स में बता देना। अभिषेक शर्मा इन टीम इंडिया क्रिकेट सो फार 0, 100, 10, 14, 16, 15, 4, 7 फॉर अ रीजन। अपन तो भाई मीम ढूंढेंगे, तो 7 इज इक्वल टू थाला फॉर अ रीजन। निकल रही भाई आवाज, कैसे निकालो आवाज, तुम्हारे लिए करना पड़ता है कमीनो, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या मतलब पैसों के लिए भी करना पड़ता, 4 रुपए बनते हैं वीडियो से, उससे क्या घंटा पैसे आते हैं। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, ना मैं कोई मेहनत करता। फर्स्ट 14 ओवर्स 167 फॉर 2, लास्ट 5.4 ओवर्स 35 फॉर 6। भाई ये मैंने एग्जैक्ट पोस्ट टेलीग्राम के ऊपर डाली थी, एंड टेलीग्राम के ऊपर भी यही डिस्कशन चल रहा था, इन्होंने ये क्या कांड कर दिया। तो हाँ, ऐसे लाइव डिस्कशन के लिए डू ज्वाइन हर टेलीग्राम। आज कुछ ऐसे ही अनशन प्लगइन्स होंगे, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है। इसकी मस्त कमेंट है, आई फील 20-25 शॉट विद दिस बॉलिंग लाइनअप, बट लेट्स सी, डिड यू सी द मैच, डिड यू सी द मैच। ग्रामर की मां बहन हो चुकी है, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट बॉयज। तुमसे ना हो पाया। इसकी मस्त कमेंट है, हु आर All expected 230 plus. Who all are he बोल देता। This thing not easily happened for me. I waited 10 long years to do this in international cricket. मतलब 10 साल की वेटिंग है, अभी तो डेडमैन सिस के सिर्फ 4 साल ही हुए, मतलब और 6 साल लगेंगे 100 के होने में, ऐसा भी होता है क्या? खत्म हो गया भैया मैटर। From justice for संजू सैमसन to justice for bowler. इसकी मस्त कमेंट है, अगर संजू सैमसन 3-4 सीरीज खेला तो सेंचुरी में रोहित का रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्या लगता है दोस्तों, अपन अभी कमेंट्स में वॉर लगा देते हैं, रोहित फैंस जाग जाओ, या रोहित शर्मा ज्यादा सेंचुरीज मारेंगे, या सूर्या ज्यादा मारेगा, या फिर संजू ज्यादा मारेगा। आई मीन रोहित शर्मा तो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको सूर्या ओवरटेक करेगा कि संजू ओवरटेक करेगा? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। संजू सैमसन आफ्टर स्कोरिंग बैक टू बैक हंड्रेड्स, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, और हमको चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर फुल इज्जत। 2.5 मिलियन वाली रील दी है उस दिन, तो जल्दी से आके फॉलो कर लेना डेडमैन अंडरस्कोर V3, लिंक के डिस्क्रिप्शन में, काफी फनी रील्स आने वाली है जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। जस्टिस गैंग, भाई आज तो तुम लोग के घर पे दिवाली ही मन रही होगी, तुम लोग ने दिवाली पे फटाके नहीं फोड़े होंगे उतने तो आज फोड़े होंगे। क्या मेरे कमेंट्स में से कोई है बंदा जो जस्टिस गैंग का मेंबर है, जो मतलब है जस्टिस लीग का मेंबर है, कोई है क्या ऐसा? तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। जस्टिस तो आज बॉलर मांगेंगे साउथ अफ्रीका के। भाई तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा कि साउथ अफ्रीका कुछ अलग सी ही टीम हो चुकी है? वर्ल्ड कप के अंदर कुछ अलग थी, अभी कुछ अलग थी, शायद भाई मौत का टाइम आ चुका है। नहीं बन रहे वीडियोस भाई, जान निकली जा रही है अभी से। ठीक है भाई मैं चलता, ओके। अदर बैटमैन देन संजू एंड तिलक वर्सेस साउथ अफ्रीका। अदर बैटमैन, बैटमैन सुपरमैन बोल देता, स्पाइडर मैन बोल देता, आयरन मैन बोल देता ना, वंडर वुमेन बोल देता। स्कोर कार्ड इसे 30 जैसा, नॉस्टैल्जिया वाला स्कोर। भाई यार क्यों लोग हेट कर रहे, मुझे पसंद आया, तुम्हें क्यों नफरत हो रही है भाई पहले वाले से? मुझे एक्चुअल में पसंद है, मेरे ऐसा कुछ अलग है क्या दुनिया से? मतलब दुनिया एक जगह से सोचती है और मैं नीचे से सोचता हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है हमारे बीच, ऐसा मुझे लग रहा है। 100 and another 100 प्लेयर्स टू स्कोर कंसेक्यूटिव T20 सेंचुरीज अमंग फुल मेंबर टीम्स। रायली रुसो 2022 ये मैंने देखे थे, फिल सॉल्ट 2023 ये शायद मैंने एक देखा था इसमें से, संजू सैमसन 24 ये मैंने दोनों देखे। तो क्या ये प्राउड फील करने वाली बात है? बिल्कुल नहीं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो वो है प्राउड फील करने की बात। बात तो सही है। मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया इन T20 है, युजवेंद्र चहल 96, भुवी 90, बुमराह 89, अर्शदीप पाजी 88। भाई बुमराह के 70 मैच में 89 है, वरस अर्शदीप 57 मैच में 88। वो बात अलग है, इकोनॉमी में भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है, बट लुक एट दैट भाई, 88 विकेट्स, क्या फट 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 चढ़े यार अर्शदीप सिंह, सच अंडररेटेड बॉलर। अगर तुम भुवी को लेजेंड समझते हो T20 में, देन व्हाई नॉट अर्शदीप सिंह? वो तो वर्ल्ड कप भी जीता है यार, उसने वो इंपॉर्टेंट ओवर फेंका था वर्ल्ड कप के अंदर। आज से अर्शदीप सिंह को भी T20 में तो गोट बुलाया करो, धुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। डज इट एवर ड्राइव यू क्रेजी जस्ट हाउ फास्ट द नाइट चेंजेस? आई मीन नो, ये तो होते रहता है, समय समय की बात है। एक टाइम पे MS थे, फिर उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, नाउ सूर्या। टाइम है भाई, चलता रहेगा। आज मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस बातें नहीं कर रहा, बीमारी में आदमी अच्छी अच्छी बातें करता है। लग रहा है मेरा अंतिम समय आ चुका है दोस्तों, निकल ले भाई तू। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। दिस इज अ डिफरेंट संजू सैमसन, इस बंदे का कुछ अप्रोच अलग है। आई मीन देखो, पहले ये बंदा ऐसा
ऐसा था, तुम देखोगे तो सामने वाले को ये मारने को देता था। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन टीम वाला संजू सैमसंग, राजस्थान वाला नहीं, वो अलग है। इंडियन टीम वाला संजू सैमसंग पहले सामने वाले को मारने देता था, फिर वो मारता था। सामने वाले के 30-35 रन हो जाते थे, तब तक भाई अपने 5-6 रन बना लेते थे। बट नाउ इसने चेंज कर दिया है। अभिषेक शर्मा कुछ 5-6 रन के ऊपर था, संजू सैमसंग ऑलरेडी 17-18 रन मार चुका था। तो टेक्निकली वो अपनी 30 इतने जल्दी पार कर रहे हैं कि कब उसकी 50 बन जाती है, एंड सीधा हम 100 की होप्स लगाते हैं। एंड बंदा खेलता भी इस स्पीड से। दिस इज रोहित शर्मा टैक्टिक। रोहित शर्मा की सेंचुरी याद है तुम्हें? हर बार 12वीं 13वीं ओवर में ऐसे मतलब आराम से आ जाती थी। तुम कभी रोहित शर्मा की सेंचुरी पे डाउट नहीं करोगे कि क्या ये सेंचुरी बनेगी, भाई कब की बन जाती थी। उल्टा तुम प्लान करते थे कि क्या 150 बनेंगे। एग्जैक्टली ये बंदा वैसे खेलने लगा। दिस इज क्रेजी। धन्यवाद। बैक टू बैक T20 हंड्रेड फॉर संजू सैमसंग, फर्स्ट प्लेयर एज वेल एज फर्स्ट विकेट कीपर बैटर टू डू सो। अब अपना काम तो खल्लास। उसकी कभी वो पोजीशन थी ही नहीं। KL राहुल वॉज नेवर इन द रेस। मैं बताऊँ तुम्हें किसके घर पे दिवाली नहीं मन रही होगी, बट उनके भी घर पे मनेगी भाई, IPL का ऑक्शन आने दे। देख भाई कोई किसी की प्लेस नहीं ले रहा, दोनों खेल सकते हैं टीम के अंदर, इज ऑल आई एम सेइंग। जगह बहुत सारी है, तुम परफॉर्म करो, टीम में आ जाओ। अरे वाह गुड आइडिया। अभिषेक शर्मा एट बोथ दिस ओकेजंस। भाई ये बंदे को क्या हुआ, इसकी फॉर्म कैसे गई है? IPL में तो 250-280 ऐसे बन रहे थे, उसमें भर भर के कंट्रीब्यूशन था। अभिषेक भाई आप क्या खुद को भूल चुके हो? आपको अगला संजू सैमसंग नहीं बनना है, संजू सैमसंग खुद अगला रोहित शर्मा बनने जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा को मैं मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट की नजरिए से देखता हूँ। आप प्लीज पार्थिव पटेल बनने मत जाओ। इंडियन क्रिकेट टीम अंडर जीजी एरा, ODI टेस्ट T20 आई। अंडर जीजी एरा बोला ना तूने? वर्ल्ड कप हम राहुल द्रविड़ कोच के अंडर जीते हैं। ये सीरीज VVS लक्ष्मण कोच है, इफ यू डोंट नो। VVS सर कोच है, गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। तो ये जो आग लगाई हुई है वो रख दे, वो श्रीलंका वाला टूर तो रहने ही देते। और ये जो टेस्ट है ना, यहाँ पर ना वो पेंसिल वाला होल्डर रहते ना, वो बना, BGT के बाद बनाएगा तू। क्या लग रहा है गाइस, एक अर्ली प्रेडिक्शन दे दो BGT के कमेंट्स के अंदर। मुझे पर्सनली लग रहा है, नहीं मैं बताऊंगा क्यों, मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं पैसे छाप सकता हूँ तो बनाऊंगा भाई, मुझे ठीक हो जाने दो, फिर वीडियो के ऊपर वीडियो आएगा। Does it ever drive you crazy just how fast the night changes? Does it ever drive you crazy just how fast the night doesn't changes? 2020 में भी नहीं 100 के, 2024 में भी नहीं 100 के, नाइट तो नहीं चेंज हो रही मेरे भाई, दिन भी नहीं हो रहा तो रहने दो फिर। मैं शपथ लेता हूँ कि अब कभी भी मेरे फैंस को मेरे लिए कोई जस्टिस नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं भी शपथ लूंगा जिस दिन 100 के हूँ, बट अपना तो कोई फैन ही कोई ना, बच जाएंगे किसी दिन। बिग बॉस जाऊंगा ना मैं, उस दिन बनेंगे। क्या मतलब, उस शो में मैं टिक भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ टॉयलेट में टट्टी करता हूँ, शो के अंदर मेरे से नहीं होता। बैक टू बैक डक्स अगेंस्ट श्रीलंका, बैक टू बैक सेंचुरीज अगेंस्ट बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका, परफेक्टली बैलेंस एज इट शुड बी। आई मीन देख, श्रीलंका के सामने आता तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता, बट साउथ अफ्रीका के अंदर जाके, अब तुम लोग कुछ भी कह सकते हो कि बॉलिंग अटैक ऐसा था वैसा था, वो साउथ अफ्रीका की गलती है, वो संजू सैमसंग की गलती नहीं है। बट साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीकन पिच के ऊपर सेंचुरी मारना, जहां पर साउथ अफ्रीका की खुद की टीम ऐसी तहस नहस हो गई, दैट्स अ बिग थिंग मेरे भाई। बांग्लादेश वाली मैं ग्रेटेस्ट नॉक में डालू नहीं डालू वो तो सोचने की बात है, क्योंकि बांग्लादेश तो है ही गुड टीम। अगर कोई बांग्लादेश से देख रहे तो भाई तू खुद भी अपनी टीम को गाली ही देता होगा, क्या ही टीम है वो, तुझे भी पता है पिछले 20 सालों से तो अंडररेटेड ही सुन रहा है। इफ यू आर फ्रॉम बांग्लादेश ब्रो जस्ट स्टॉप सपोर्टिंग योर टीम। मैं कह रहा हूँ भाई, एक होती है नेशनलिटी वाली चीज की, भाई नहीं अपन सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट अगर नहीं खेल रहा देश तो मत करो भाई। बांग्लादेश इज समथिंग दैट यू शुड नॉट सपोर्ट, ये मैं कह रहा हूँ तहे दिल से। अभी इस चीज के लिए मेरे ऊपर पुलिस केस लग सकती है, बट कोई ना भाई, डेड मैन किसी से नहीं डरता। बांग्लादेश वाले क्या ही कर लेंगे, आपके पास मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र दिया पोरनो कदी वागु भाई कदी या मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। जस्टिस फॉर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, काफी हेवी कॉमेडी हो गई है, तो चलो आगे बढ़े। ठीक है समझ गया। सैमसंग इन लास्ट 2 T20 इनिंग्स 100 हेटर्स को देख ना दे, कसम जो मैं नहीं था, मैं हर बार आपकी तारीफ की है, हर बार आपके पीछे खड़ा रहा, ऐसा लग तो रहा है मेरे को, मतलब याद नहीं आ रहा, शायद गाइस मैं संजू सैमसंग की साइड था। मैंने संजू सैमसंग को कभी ट्रोल किया है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किया हो तो कमेंट्स में मुझे दो गाली जरूर देना, बट मुझे याद नहीं आ रहा मैंने संजू को ट्रोल किया है। बाकी लोगों को बहुत किया है, संजू सैमसंग के लिए भाई मेरे दिल में हर बार हमदर्दी रहती थी, ऐसा मेरे को लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूं, 99% श्योर हूं। अगर मैंने कभी संजू को ट्रोल किया है, दो गाली तो बनती है मेरे लिए, और एक सब्सक्राइब भी बनते हैं, वो भी करते जाना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जितने भी लोग नाराज थे आज सब खुश हो गए। मैं नहीं हूँ संजू भाई खुश, मैं तो 1 million पे ही खुश होऊंगा। क्या मतलब, ये कभी नहीं होने वाला, चुप रहे। Same feeling, let's go boys। भाई मतलब वो खुशी एक बार ऐसे मिल जाती है ना तो मजा ही आ जाता होगा, अपने को भी मिलेगी। तुम ऐसे भाई गड़े रहना। डेड मैन से मोटिवेशनल चैनल है क्योंकि डेड मैन से इसकी मौत काफी पास है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। संजू मिलक पिछली बार क्या बोला था? जस्टिस आपके फैंस ने बोला था, बाकी किसी ने नहीं बाबा बोला था। अच्छा।
ये संजू भी मारने की आदत हो गई अपन को। संजू भाई आप ये आदत कभी मत छोड़ना। ये देखो डेड मैन से एक सेंचुरी नहीं बन रही, इससे एक हंड्रेड के नहीं हो रहे, अभी ना छह बार प्लग इन हो चुका है। अब ये क्रिंज हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। मंथ ऑफ नवंबर, बस भाई इसी मीम का इंतजार था, खत्म है ये मीम रिव्यू। भाई मेरे लिए दुआ करो कि मैं टपक ना जाऊं। बाकी डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ। टेलीग्राम वालों के लिए एक्सक्लूसिव गिव अवे होने वाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से आ जाओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।